अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए हैं यहाँ पर जंगल में आप लोगों से एक जड़ी बूटी को रूबरू करने के लिए। तो देखिए वो बूटी कौन सी है, मैं दिखाता हूँ आपको। चलो भाई चलो बूटी। तो ये देखिए, ये बेल का पेड़ है, इसको बिल भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में वुड एप्पल कहा जाता है। आप तो जानते ही हैं अंग्रेजी की क्या हालत है, वुड यानी लकड़ी और एप्पल यानी सेब। लकड़ी का सेब है, देखिए इसकी हालत जो है, ये इसका जो कवर होता है ये लकड़ी जैसी होता है, बहुत टाइट होता है, सख्त होता है, इसीलिए इसको वुड एप्पल कहा जाता है। तो आज इसके फायदों की अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। देखिए अगर हम इसके फायदों की बात करें तो यहाँ पर इसके पत्ते देख रहे हैं आप, इसके ये जो पत्ते हैं ये शुगर में इस्तेमाल होते हैं और डायबिटीज में अगर आप इन पत्तों को लेकर तकरीबन ऐसे समझ लीजिए लगभग इसके 8-10 पत्ते ले लीजिए और उसको पानी के साथ में आप घोट के अच्छी तरह से मिक्सी में डाल के और इसको सुबह निहार मुंह अगर ले लेते हैं तो आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। और बात करें तो इसका जो ये फल दिखाई दे रहा है आपको, ये फल भी बहुत अच्छे इसके फायदे हैं और इसको जो है इसकी एक गिरी निकलती है जिसको बेलगिरी कहा जाता है। ये बेलगिरी जो है आपके पेट के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, संग्रहणी हो या डिसेंट्री हो, पेचिश आती हो या पेट खराब रहता हो, टॉयलेट में गड़बड़ रहती हो, तो क्या करते हैं इसको हम इसकी गिरी को लेते हैं और सौंफ को लेते हैं और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला के एक एक चम्मच सुबह दोपहर और शाम को हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, पेट सही हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? पेट सही हो जाता है। और देखिए इसको हम मिर्गी में भी इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं बेटा? मिर्गी में। मिर्गी में क्या करते हैं हम इसके, देखिए ये जो पेड़ है यहाँ से देखो हम दिखाते हैं आपको, देखिए ये जो यहाँ से लिया हमने, देखिए ये तीन पत्ते हैं, ठीक है, ये तीन पत्ते होते हैं इस तरह से, इसकी खास पहचान है। प्लस दो पत्ते और ले लेंगे यहाँ से, कोई भी दो पत्ते ले लेंगे तो ये पांच टोटल पत्ते हमारे होते हैं, ठीक है, पांच। इन पांच पत्तों को लेकर और इसमें जो है काली मिर्च के साथ में, काली मिर्च के साथ में इसको पीसते हैं और पीसने के बाद में थोड़ा सा पानी डाल के पीसा जाता है और इसको दिन में दो बार सुबह और शाम मिर्गी वाले पेशेंट को दिया जाता है, इससे मिर्गी भी दूर हो जाती है। तो बहुत सारे इसके मेडिसिनल फायदे हैं और ये फल जो है, इसका जो फल दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, देखो बेटा ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको पकने के बाद में इसको जो है इसका शरबत भी पिया जाता है, इसका शेक बना के इस्तेमाल किया जाता है जिससे पेट जो है बिल्कुल साफ रहता है और टॉयलेट बिल्कुल क्लियर होता है। पेट को में कोई दिक्कत होती है ना, जैसे कब्ज वगैरह है, उसको भी दूर करने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। और इसके बहुत सारे इसके फायदे हैं और अगर इसके फसल में जब ये पका हुआ मिलता है तो बच्चों को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से जब आपका पेट सही रहेगा, पेट साफ रहेगा तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी। इसके साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन भी होते हैं तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पैकेट बंद चीजें नहीं खाएंगे, खाएंगे पैकेट बंद चीजें खाएंगे नहीं खाएंगे यार नहीं खाएंगे, नहीं खानी है आपको, खानी बैठी पैकेट बंद चीजें नहीं खानी है। इस तरह के फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, मेडिसिनल फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं। तो बोलो, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है आयुर्वेद से मुतालिक और बहुत अच्छी बीमारियों का इलाज मिलता है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।